दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सबका आज की इस सेफ शॉप स्किल अप ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। ये ट्रेनिंग टीम ही इसीलिए बनाई गई है आप सबके लिए ताकि हम समय समय पर आपके साथ प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन शेयर करें और आप कंपनी से जुड़े रहें और ये इंफॉर्मेशन फिर आप आगे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकें। आज हमारे बीच गेस्ट स्पीकर हैं मिसेस सुनीता गुप्ता। ये क्वालिफिकेशन से एक डॉक्टर हैं, MBBS, और ये एक कॉस्मेटिक केमिस्ट भी हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर लाइफ एसेंशियल्स, जो स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनको ये आज रिप्रेजेंट कर रही हैं और आज ये आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग देंगी। मिसेस सुनीता गुप्ता, हेलो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता लाइफ एसेंशियल की साइड से आप लोगों को आज होमा की जो ब्यूटी केयर रेंज है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने के लिए कि उसमें क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और वो उनका क्या बेनिफिट है, उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताने के लिए आई हूँ। होमा रेंज में जो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो स्किन कॉम्बो है जिसका किट का नाम है नीम एंड टर्मरिक क्रीम किट पूरा। और इसके अंदर में अगर आप देखेंगे कि ये स्किन कॉम्बो में हमने क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपका नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश है जिसके की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नीम एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल, बर्गमोट ऑयल, ये इसके की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये किस तरह से हमारी स्किन के ऊपर काम करते हैं। सेकंड इस किट का जो प्रोडक्ट है वो है नीम एंड टर्मरिक फेस स्क्रब जिसके अंदर में वॉलनट शेल पाउडर है, नीम एक्सट्रैक्ट है, हल्दी एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। और जो इसका थर्ड जो इस कॉम्बो का जो पार्ट है दैट इज नीम एंड टर्मरिक फेस मास्क जिसके अंदर में हल्दी एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल एंड लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है। और इसमें एक हम छोटा सा एक प्रीवी भी देते हैं जो कि आपका आइवरी पीच मॉइस्चराइजर है। सबसे पहली बात जो ये है हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्किन कॉम्बो में आपका फेस वॉश, स्क्रब, मास्क, इसकी क्या बेनिफिट है, इसको हम क्यों कॉम्बो में यूज करते हैं। हमारी स्किन को ना एक हेल्दी बनाने के लिए एक प्रॉपर रेजिमेन होती है जिसकी हमें उसकी देखभाल करने के लिए, उसको एक लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए उसको एक टाइम टू टाइम या उसे डिफरेंट खुराकों की जरूरत होती है। सबसे पहले स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमारे को अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब स्किन क्लीन हो जाती है तो आपके जितने भी जो स्किन के ऊपर माइक्रोब, धूल, मिट्टी या किसी भी तरह का जो आपका पसीना या आपके टॉक्सिन, वो सारी चीजों को अगर आप रिमूव नहीं करते हैं तो स्किन जो है वो बड़ी डल सी लगती है। तो किसी भी स्किन केयर का जो पहला रेजिमेन का जो पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें अपने स्किन के जो एक सेल रिन्यूअल प्रोसेस है उसको हमें स्पीड अप करना पड़ता है। अब ये है कि ये सेल रिन्यूअल प्रोसेस क्या है। सेल रिन्यूअल प्रोसेस है कि हमारी जो स्किन है उसकी एक एज होती है, वो एक एज तक जीती है और उसके बाद वो शेड हो जाती है। लेकिन कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारी ये जो स्किन है जिसको हम लोग डेड सेल बोलते हैं, जो आप सब लोग जानते भी होंगे, ये अपने आप से रिमूव नहीं हो पाती है और स्किन के ऊपर ही वो एक के ऊपर एक लेयर बना के एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत डलनेस आ जाती है, स्किन हमारी सैग होना शुरू हो जाती है और स्किन के ऊपर हमारे कहना चाहिए कि उतना ग्लो नहीं रहता है, स्किन हेल्दी नहीं दिखती है। तो ये प्रोसेस जो एक नॉर्मल जब आपका एक एज होती है तो उसमें 28 दिन में स्किन अपने आप से अपने आप को रिपेयर करती है कि ये डेड सेल्स को वो स्किन से उतार देती है और नए सेल्स जो हेल्दी होते हैं उनको वो स्किन के ऊपर लेके आती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है,
हमारा ये जो प्रोसेस है ये धीरे हो जाता है, और इस धीमे प्रोसेस की वजह से ही हमारी स्किन के ऊपर एजिंग फैक्टर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो स्क्रब्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि वो हमारे स्किन का जो ये सेल रिन्यूअल सिस्टम है उस प्रोसेस को वो बरकरार रखें या उसको फास्ट करें, और आपकी स्किन हेल्दी रहे, न्यू सेल्स लाइटन हो, ब्राइटन हो और ग्लोइंग हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने स्किन को क्लीन कर लिया, सेल रिन्यूअल प्रोसेस भी कर लिया, उसके बाद डेली बेसिस पे या आप ये कहें कि रेगुलर बेसिस के ऊपर स्किन को नरिशमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। और जो मास्क होते हैं या इस तरह के आजकल स्लीपिंग मास्क होते हैं, स्लीपिंग क्रीम्स होती हैं, ये सब क्या करते हैं कि ये आपके स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं। तो आपकी जो स्किन है उसके चार पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्लेंजिंग, सेकेंड है स्क्रबिंग, थर्ड है मास्क एप्लीकेशन और फोर्थ है मॉइस्चराइजेशन विद प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जैसे जो आपको आइवरी प्रिंच मॉइस्चराइजर दिया हुआ है वो क्या करते हैं कि जब आपकी स्किन क्लीन हो गई, स्क्रब हो गई, आपने उसे न्यूट्रिशन दे दिया, तो जो आपका स्किन का जो मॉइस्चर है उसको वो मेंटेन करने के लिए एक मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अब हम आ जाते हैं कि ये किट किस तरह से काम करती है। नीम, टर्मरिक या ऑलिव ऑयल, बर्गमट ऑयल, वॉलनट शेल, ये किस तरह से हमारे स्किन के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहली बात यह कि नीम और टर्मरिक हमारे लिए कोई नए इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये सालों पुराने, मतलब हमारे आयुर्वेदा में भी अगर कहें तो इन इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही महत्व है। नीम इंग्रेडिएंट को तो यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये सर्व रोगा विनाशनी है, मतलब किसी भी तरह की आपको अगर स्किन, हेयर, कैसी भी एलर्जी कुछ भी हो उसमें जो नीम है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसको तो आयुर्वेदा में सर्व रोगा विनाशिनी बोला गया है। और टर्मरिक तो जैसे आप जानते हैं कि यह हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र इंग्रेडिएंट है, इसको चाहे हमारे घर में शादी हो, चाहे हमारे घर में कोई अगर नॉर्मल में भी कभी कोई चोट लग जाती है तो गर्म दूध में हल्दी मिला के हमें पीने को दिया जाता है, या कहीं पे आपको दर्द होता है तो उस टाइम पे भी हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये जो नीम और टर्मरिक कॉम्बो किस तरह से ये पूरा तो तीनों प्रोडक्ट्स मिलके किस तरह से स्किन के ऊपर काम करते हैं कि जो नीम और टर्मरिक में क्या होता है कि आपका एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर किसी भी तरह का ब्रेकआउट हो, चाहे वो आपके पिंपल एक्ने की वजह से हो या किसी भी तरह से धूल मिट्टी की वजह से भी जो स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं तो ये उसको ठीक करता है। तो जैसे जो अगर आप मेरी फर्स्ट इमेज देखेंगे तो उसमें देख रहे हैं, और ये जितनी इमेजेस आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारी लाइव है जो कस्टमर ने रेगुलर बेसिस पे यूज करके और उन्होंने अपना बिफोर एंड आफ्टर हम लोगों को भेजा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है तो उस पे रेगुलर जब उन्होंने ये कॉम्बो तीनों प्रोडक्ट को जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो किस तरह से उनके एक्ने के ऊपर कितना फर्क पड़ा है। सेकेंडली ये क्या है कि जो आपके जो पोर्स होते हैं, हर स्किन के ऊपर पोर होते हैं, उसके अंदर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है या स्किन भी अपना सीक्रेशन करता है तो वो ब्लैक हेड्स बना देता है, व्हाइट हेड्स बना देता है। तो यहाँ नीम और टर्मरिक जो आपका पूरा ये प्रोडक्ट है ये इस तरह के ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और जितना भी धूल मिट्टी जो हमारे इन पोर्स में स्टक हो जाती है ये उसको क्लीन करता है। थर्ड ये है कि ये जो स्किन में हमारा जो हल्का फुल्का जो पिगमेंटेशन हो जाता है जो कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर आ जाता है तो ये उसको इवन आउट करता है, उसको ये लाइटन अप करता है। और यहाँ नीम में एंटी बैक्टीरियल के अलावा एक और फैक्टर होता है और वो होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि कुछ हमारे बॉडी में सेल्स में फ्री रेडिकल होते हैं जो स्किन को एजिंग प्रोवाइड करते हैं और ये ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से हमारे स्किन में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो नीम और टर्मरिक क्या करता है कि हमारा वो जो स्किन को मतलब आपका सकल रखते हैं, स्किन को टाइटन अप रखते हैं, तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं, कोलेजन बॉन्ड्स होते हैं, ये उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करता है और स्किन पे जो सैगिंग होनी शुरू हो जाती है या स्किन जो हल्की सी लटकनी शुरू हो जाती है, अगर आप इस कंप्लीट कॉम्बो की आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं, स्क्रबिंग भी कर रहे हैं, पैक भी यूज कर रहे हैं, मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं, तो ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है।
तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम नीम और टर्मरिक को सर्व रोग निवारणी बोलते हैं, मतलब हर हर एलिमेंट का इलाज है ये, किस तरह से एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि नीम और टर्मरिक दोनों में है। तो ये दोनों कंबाइन करके हमें हमारी स्किन को क्लीन कर रहे हैं, हमारी स्किन से मेलानिन प्रोडक्शन जो कि पिगमेंटेशन या डार्कनिंग स्किन को करता है, ये उसको इवन आउट करता है। और इसके अलावा जो है आपका इसमें जो नीम और टर्मरिक में विटामिन ई, विटामिन सी और फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि आपका कोलेजन का जैसे बताया कि वो कोलेजन फॉर्मेशन को स्मूदन आउट, वो आपका स्टिमुलेट करते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो फाइन और वो टाइट हो, और उसमें जो आपके एजिंग के साइंस जो समय से पहले आना शुरू हो जाते हैं उसको वो थामता है। बर्गमट ऑयल, ये बर्गमट ऑयल जो है ये एक तरह का नींबू की फैमिली का ही एक फ्रूट है, और इसका जो ऑयल है ये भी एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। तो मतलब किसी भी तरह से स्किन पे ये आपका एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से किसी भी तरह का बैक्टीरियल इम्पैक्ट हो और उसकी वजह से स्किन पे अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये उसको क्योर करता है। और जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल में काफी विटामिन्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारी स्किन को एज होने से प्रिवेंट करते हैं। और खासतौर से ये जो प्री मेच्योर एजिंग का जो फैक्टर है वो ज्यादातर जो आता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आता है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे है कि हमारा फेस वॉश है, सबसे पहले फेस को हल्का सा नम पानी से, मतलब हल्का गुनगुना पानी से फेस को के ऊपर आप पानी स्प्लैश करें। जब आप गुनगुने पानी को जो फेस पे आप डालते हैं तो जो हमारे पोर्स है ना वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाते हैं, तो उसके अंदर में जो भी आपका धूल मट्टी जो ट्रैप है वो थोड़ी सी लूजन अप हो जाती है। उसके बाद आप एक कॉइन साइज आप फेस वॉश को हाथ में ले, उसको थोड़ा सा हाथ पे आप मसाज करें, मतलब उसको रब करें ताकि थोड़ा सा फोम बने, और उसके बाद आप उसको फेस के ऊपर से सर्कुलर मोशन से, ये जो फिंगर टिप्स है इन टिप्स से आप सिर्फ सर्कुलर, क्या आप क्या कर रहे हो, जो वो धूल मट्टी है आपके जो पोर्स में ट्रैप है, जब आप सिर्फ फिंगर के टिप्स से जब आप सर्कुलर कर और जब भी कभी मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन होता है इसमें सारे के सारे, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं जो आपके पास होमा के ब्यूटी केयर रेंज में आते हैं, तो ये किसी भी तरह से इसका कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो हार्श नहीं होता है, वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन स्टिल हर बॉडी किसी ना किसी इंग्रेडिएंट को लेके सेंसिटिव होती है या एलर्जिक होती है। तो ऐसे में कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आप अगर यूज करते हैं तो एक पैच टेस्ट कर लेना समझदारी होती है। और वो पैच टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, या तो कान के पीछे, ये सबसे हमारा नाजुक एरिया होता है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को लगाएं, और अगर आपको किसी तरह की जलन हो रही है या रेडनेस आ गई है तो आप उस प्रोडक्ट को आगे यूज ना करें। या फिर हमारा जो ये कोहनी का अंदर का हिस्सा होता है यहाँ पे आप लगा के और देख सकते हैं कि आपको किसी तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। सेकेंड प्रोडक्ट स्क्रब, तो जैसे मैंने आपको स्क्रब के मेरे बताया कि स्क्रब करना क्यों जरूरी हो जाता है, कि हमारी जो है एज के हिसाब से हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस या आपका खुद का भी स्ट्रेस की वजह से जो हमारा सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए ताकि हेल्दी सेल्स आपकी बनी रहे, आपके स्किन के ऊपर लंबे समय तक आपकी स्किन हेल्दी और रेडियंट रहे, उसके ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स ना पड़े, ब्लेमिशेस कम हो, तो इन सब के लिए स्क्रब करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो स्क्रब का यूज करने का तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्क्रब को जनरली हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हाथ में लिया, रब करो और सीधा अपने फेस के ऊपर रब करना शुरू कर देते हैं, वो सही प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको वही है कि सबसे पहले थोड़ा सा आपको अपने फेस को गुनगुने पानी से डैम्प करें, आप स्क्रब को लें और एक मास्क की तरह पूरे फेस के ऊपर उसे लगा के 2 से 3 मिनट तक आप छोड़ दें, ताकि इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके डेड सेल को फुला देगा। जब कोई चीज फूल जाती है तो उसका निकलना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर क्या होता है कि ये जो हमारे जो सेल्स होते हैं जिनको हम डेड सेल्स बोल रहे हैं, ये दो सेल्स एक एक लिपिड नाम का एक सीमेंट होता है जिससे वो जुड़े हुए होते हैं,
और इसको लूज आप जब तक नहीं करोगे, तो अगर आप जबरदस्ती स्क्रब करोगे तो आप स्किन को सेंसिटिव बना रहे हो, स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस लिपिड वाला जो ये सीमेंट है इसको लूज करना है। तो ऐसे में जो पैक आप ये जो इसको पैक की तरह लगाएंगे तो जो इसमें इंग्रीडियंट्स है वो इस बॉन्ड को लूज करेगा। और जो इसमें आपको बताएगा वॉलनट शेल पाउडर है, तो जो वॉलनट की जो ग्रेन्स है, तो जब आप इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करोगे तो ये ग्रेन्स क्या करेगा, उस डेड सेल को वो रिमूव करने में हेल्प करेगा। और जो स्क्रब को जब हम यूज करते हैं तो यूज जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पहले हमारे फेस के ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए और बाद में हम बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाले वाटर से इसको रिंस आउट करें। और दूसरा अगर आप सिर्फ रिंस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप टॉवल से, वॉश क्लॉथ से या आप किसी तरह के कॉटन से आप रिमूव कर रहे हो तो उस केस में आप हमेशा स्क्रब को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आप रिमूव करो। इसका सीधा सा रीजन ये होता है कि हमारे फेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे से हेयर होते हैं और जो ये वॉलनट स्केल्स है ना, ये क्या होता है, ये उन अगर आप नीचे से ऊपर उतारोगे तो ये बालों की डायरेक्शन ऊपर गई तो ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं ये बालों में अड़ जाते हैं। और उसके बाद जब आप मॉइस्चराइज करोगे तो कुछ ग्रेन्स अगर आपके स्किन पर रह जाएंगे तो वो स्किन को मतलब रगड़ दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पानी से धो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पानी से जब धोएंगे तो सारे ग्रेन्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई टॉवल का यूज कर रहे हैं या कॉटन का यूज कर रहे हैं तो उस केस में टॉवल और कॉटन दोनों ही हल्की सी डार्क होनी चाहिए और ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आप रिमूव कीजिए। और स्क्रब को भी जो यूज करना है ये डेली बेसिस पे यूज करने का नहीं है, इसको मिनिमम आप मतलब ट्वाइस यूज कर सकते हैं और अदरवाइज जैसे आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं तो एनीबॉडी हु इज अबव 40 कैन यूज इट थ्राइस अ वीक, पर 40 से बिलो अगर आप हैं और आप अगर आप सिर्फ घर पे ही रहते हैं, आप इतना डे टू डे लाइफ में बाहर नहीं जाते हैं, तो उस केस में ट्वाइस अ वीक यूज करना है सफिशियंट। अब हम आ जाते हैं मास्क के ऊपर कि मास्क का क्या काम है। इंग्रेडिएंट्स का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन मास्क क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मास्क इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्या करता है कि इसके अंदर में इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स है ये सबसे ज्यादा देर हमारी स्किन के ऊपर रहता है, तो ये हमारी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर में आपकी स्किन को प्रॉपरली नरिश करता है, जो आपके पोर्स जो आपके थोड़े एनलार्ज हो चुके हैं ये उनको कन्फाइन करता है। स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन जब क्लीन हो गई, उसमें स्क्रब हो गया, तो उसके बाद वो क्या करता है कि इसको बहुत अच्छे से जो इंग्रेडिएंट्स को वो रिसीव कर लेता है और हर इंग्रेडिएंट अपना काम स्किन के ऊपर करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या है कि आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये इम्प्रूव करेगा। किसी भी तरह का अगर कोई भी स्कोप रह गया है कि आपके पोर्स में किसी तरह का डीक्लॉगिंग है या कोई प्रोडक्ट आपका पोर में चला गया है तो ये मास्क उसको भी क्लीन कर देता है। स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। किसी भी तरह का अगर स्किन के ऊपर ब्राइट आपका ब्रेकआउट्स है तो ये उसको भी क्योर करता है। तो इसका भी जो तरीका है कि अपना फेस पे डैम्प करें, उसके बाद एक इवन लेयर लगाएं 15 से 20 मिनट या जब तक वो सूख नहीं जाए उसको आप अपने स्किन के ऊपर रहने दें और उसके बाद उसको आप रिंस आउट कर दें और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक छोटा सा मिथ है जो मैं आपको बताऊं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मास्क लगाने के बाद आपको बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जहां जहां से मास्क पड़ जाएगा स्किन वहां से सैग हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि स्किन की सैगिंग के लिए जिन बॉन्ड्स का टूटना जरूरी है वो मास्क की वजह से आपके बात करने से नहीं टूटता है। तो आप मास्क लगाकर भी बात कर सकते हैं। अब हम अपनी सेकेंड किट पे आते हैं जो कि चारकोल किट है। और जैसे बताया था कि आपको कि स्किन की जो एक पूरी एक रेजिमेन, जैसे हम खाना भी खाते हैं ना, सिर्फ नाश्ता नहीं करते या सिर्फ हम खाने में एक रोटी नहीं खाते, रोटी के साथ सब्जी होती है या दाल होती है, तो एक कंप्लीट एक कॉम्बो होता है। उसी तरह से सिर्फ फेस वॉश करना ही सफिशिएंट नहीं है स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे भी आपको एक कंप्लीट रेजिमेन, एक कंप्लीट सोल्यूशन दिया जा रहा है ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे। तो उसमें है कि यहाँ पे भी चारकोल फेस वॉश, चारकोल फेस स्क्रब है और यहाँ पे आपका चारकोल मास्क है, सॉरी पील ऑफ मास्क है।
और इसके साथ भी आपको एक कॉम्बो में इसमें एक फ्री भी आपको मॉइस्चराइजर की मिल जाती है, ठीक है। तो इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है, बैम्बू चारकोल है, इसमें मिंथॉल है, टी ट्री है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि नीम एंड टर्मेरिक तो कॉम्बो था, तो चारकोल का कॉम्बो भी क्यों। तो यहाँ पे इस तरह से कि जो नीम एंड टर्मेरिक कॉम्बो है वो हम यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन वो उनके लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है जो कि स्किन ब्राइटनिंग की तरफ, लाइटनिंग की तरफ, जिनको स्किन के ऊपर टैनिंग जल्दी हो जाती है उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और जो चारकोल है, चारकोल जो वर्क करता है इसका काम ही जो है वो टॉक्सिन्स, जो आपके स्किन में जो टॉक्सिन्स होते हैं ये उनको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। एक तरह से ये मैग्नेट का काम करता है कि आपके स्किन में जो टॉक्सिन्स हैं, धूल मिट्टी है, उसको ये बहुत डीपली इस्तेमाल करता है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि चारकोल रेंज जो है या चारकोल जो एज एन इंडिविजुअल इंग्रीडियंट है ये आज की डेट पे बहुत ज्यादा मेल्स यूज करते हैं, क्योंकि मेल्स के स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा पोर्स होते हैं, उनके स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा ऑयल सीक्रीशन होता है, तो उनको डीप और क्लेंजिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। या वो फीमेल्स जो घर से बाहर जाती है, दिन भर वो एक तरह से एनवायरमेंट में रहती है, ज्यादा धूल मिट्टी लेके आती हैं, तो ऐसी स्किन को बहुत ज्यादा डीप और क्लेंजिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो आपका चारकोल जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये आपका जैसे मैंने बताया कि चारकोल जो है वो आपका एंटी पोल्यूशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी कभी आप इस तरह के पोल्यूशन वाली जगह पे गए हैं तो वापस आने के बाद आप चारकोल किट यूज करें, तो ये आपका जो भी स्किन के ऊपर जो पोल्यूशन है ये उसको रिमूव करेगा। अगर किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो उनके लिए ये एक्सेस ऑयल को ये कंट्रोल करता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, रिफ्रेश एंड रिजुविनेट करता है। और जैसे मैंने बताया कि ये डीप और क्लींजर, तो फेस वॉश का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इस तरह से यूज करना है। तो वही सेम चीज है कि आप फेस को पहले ल्यूको वाटर से आप फेस के ऊपर स्प्लैश करें, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप पॉइंट साइज आप प्रोडक्ट लेके उसको थोड़ा सा हाथ पे पहले आप फोमिंग करें और उसके बाद उसको फेस पे आप सर्कुलर मोशन में यूज करें। और खासतौर से जो आपके नॉस्ट्रल कॉर्नर्स हो गए या जो स्मॉल आई कॉर्नर्स है उनको सिर्फ फिंगर टिप से आप क्लीन करें सर्कुलर मोशन में। स्क्रब का भी जैसे मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि उसके किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, कि वो आपका डेड स्किन को रिमूव करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को भी वो रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन को बहुत ही एक स्मूथ वेलविटी फिनिश देता है, डीप पोर क्लेंजिंग हो गई और साथ में पोर्स को वो रिफाइन और टोन करता है। इसका भी यूज करने का तरीका वो सेम ही है कि इसको पहले आप थोड़ा सा डैम्प फेस के ऊपर एक मास्क की तरह एक लेयर लगा के रखें, दो से तीन मिनट के लिए छोड़ें। और खासतौर से स्क्रब्स को आईज के अराउंड कभी भी स्क्रबिंग मतलब आपको मसाज नहीं करनी, आप आईज के आसपास लगा सकते हैं लेकिन वहां पे आपको मसाज नहीं करनी है। तो आप इसको दो से तीन मिनट रखने के बाद आप इसको सर्कुलर मोशन के साथ फिंगर टिप्स के साथ इसको आप मसाज करें और उसके बाद उसको रिंस आउट करें। अब आता है कि इस किट में हमने पील ऑफ मास्क दिया है और ये जो पील ऑफ मास्क है ये काफी ज्यादा आज के टाइम में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये क्या करता है कि जब इसको हम यूज करते हैं तो ये स्किन के ऊपर एक पूरा मैग्नेट की तरह जो आपके पोर्स में डीपली जो चीजें आपकी टॉक्सिन्स हो गई, धूल मिट्टी हो गया, ये कई बार ये क्या होता है कि कुछ इस तरह के हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ भी आ जाती है,
तो ये उन सब चीजों को बहुत स्मूथली ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेता है और स्किन से रिमूव कर देता है। तो जो पील ऑफ मास्क है ये आज की डेट में अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो बस आपने अपना फेस वॉश किया, आपने स्क्रब किया, पील ऑफ मास्क किया एंड यू आर रेडी फॉर अ पार्टी। तो ये भी जैसे कि पील ऑफ मास्क के मल्टी रोल्स है कि ये आपका एक्सेलेंट या अल्टीमेट एक्सफोलिएंट है। ये आपका लास्ट कोई भी अगर स्क्रब करने से भी जो ब्लैक हेड नहीं रिमूव हो पाया वो आपका पील ऑफ मास्क से रिमूव हो जाएगा, स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है। अब इसकी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जैसे आपको मैंने बताया कि क्यों हमें हर बारी हमें डैम्प फेस हल्का सा डैम्प होना चाहिए और उसके बाद ही आप इस तरह की क्लीनिंग स्क्रबिंग और मास्क को अप्लाई करें। तो इसको आप हल्का सा जब डैम्प वाटर रहेगा तो वो आपके और वो सॉरी जब आपका थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर रहेगा तो वो आपके पोर्स को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद जब आप एक इवन लेयर चारकोल की लगा के आप उसे छोड़े जब तक वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाए तब तक आप उसको उतारने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो पील ऑफ का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है। और इसको भी उतारने का तरीका ये है कि आप इसके पहले साइड चारों तरफ से इसको आप थोड़ा सा फिंगर्स डाल के लूजन अप करें और हमेशा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में रिमूव करें ताकि आपके फेस के ऊपर किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं हो, किसी भी तरह से आपकी स्किन को जब ये मास्क स्ट्रेच होके निकलेगा तो आपकी ये स्किन को फुल ना करे। अब हम अपने नेक्स्ट कॉम्बो किट पे आते हैं जिसका नाम है मलबरी ग्लोइंग डे एंड नाइट क्रीम। अब डे क्रीम की क्यों जरूरत है और नाइट क्रीम क्या, डे और नाइट में हमें अलग अलग क्रीम्स यूज करनी चाहिए? तो बिल्कुल डे और नाइट की हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स पे बताती हूँ कि जो मलबरी ग्लोइंग डे एंड नाइट क्रीम है तो डे क्रीम में हमने ऑलिव ऑयल, मलबरी एक्सट्रैक्ट, मलबरी का मतलब है शहतूत, केसर एक्सट्रैक्ट, ब्लैकबेरी, जामुन का एक्सट्रैक्ट, मुलेठी का एक्सट्रैक्ट, आमंड ऑयल, मैंगो बटर, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो आपकी स्किन को ग्लो कराते हैं, हेल्दी बनाते हैं और उसको वो ब्राइटन अप रखते। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि ऐसा क्या डे क्रीम में ऐसा क्या है कि उसको हम रात को यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारे स्किन की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। दिन के समय में स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है, हाइड्रेशन की जरूरत होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो डे क्रीम्स में इस तरह के इंग्रीडियंट्स इस परसेंटेज में डाले जाते हैं कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें और स्किन को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे जो मलबरी क्रीम है इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लिकोराइस है, मुलेठी है, इसमें जामुन है, इसमें आपका शहतूत है, इन सब का काम होता है स्किन को लाइटन करना, आपके कम्प्लेक्शन को लाइटन करना जो किसी वजह से वो डार्क हो गया है या किसी वजह से आपके स्किन पे वो चमक नहीं रही है या जो आपको वो रेडियंस और ग्लो चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो ये जो इंग्रीडियंट्स है वो सब हेल्प करते हैं आपके स्किन को सफल बनाने में, सॉफ्ट बनाने में और स्किन को क्लीन एंड क्लियर करने में। और नाइट में हमारे को हमारी स्किन को जरूरत होती है रिपेयर की, क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि रात के वक्त हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर मोड में चली जाती है। ठीक है, कई बार अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई एलिमेंट होता है तो कई बार आपकी हैवी डोजेस जो है वो रात को दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि रात को वो पूरी जो बॉडी आपकी रिपेयर मोड में है तो उन दवाई से जो न्यूट्रिशन या उस दवाई का जो फायदा आपको दिन में नहीं होगा वो रात के वक्त होगा। तो उसी तरह से रात को हमारी स्किन भी अपने आप को रिपेयर करती है और रात को हमारी स्किन को जरूरत होती है उस तरह के रिपेयर इंग्रीडियंट्स की, उस तरह के रिपेयर फॉर्मुलेशन की जो आपके स्किन को नरिश करते हुए और आपकी स्किन को वो रिपेयर कर सके। तो इसलिए हमारी डे क्रीम्स और नाइट क्रीम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डे क्रीम लेने से आप डे क्रीम को रात को भी लगा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का फायदा आपको नाइट क्रीम पहुंचा सकती है आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा।
अब हम आते हैं अपनी फेयरनेस किट को, और यहाँ पे ये जो हमारी फेयरनेस किट है, इसके अंदर में आपको इस पे 5 स्टेप ये किट है, जिसमें आपका स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, सैफ्रन स्क्रब है, सैफ्रन मसाज क्रीम है, सैफ्रन एंड मलबरी फेस पैक है, एंड लिक्वराइज मलबरी फेस सीरम है। ये किट किस तरह से, एक तो नाम ही अपने आप में बता देता है कि फेयरनेस है, तो मतलब ये स्किन लाइटनिंग कर रहा है और आपके स्किन को ये हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, ब्राइट करेगा, ये आपके जो कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करेगा, ये एक यूनिफॉर्म आपको कॉम्प्लेक्शन देगा। अब यहाँ पे है कि इस किट को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, तो स्ट्रॉबेरी का क्या काम है, तो स्ट्रॉबेरी में क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इसके अंदर में विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और ये एक्सफोलिएंट का काम करता है, तो मतलब ये प्रॉपर आपकी स्किन को क्लीन करता है। सैफ्रन, केसर, तो आपने सभी जानते हैं कि केसर जो है ये एक काफी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट भी होता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब रिनाउंड है, कि केसर का मतलब ही है कि आपकी स्किन को लाइट करना। हर किसी ने कुमकुम आदि, तो कुमकुम का मतलब ही होता है सैफ्रन। तो यहाँ पे सैफ्रन जो है वो स्किन लाइटनिंग भी कर रहा है, वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और हमारी स्किन को वो यूथफुल रखता है। मलबरी, जैसे मैंने बताया कि ये नेचुरल स्किन वाइटनिंग एजेंट है, तो ये आपकी स्किन के ऊपर जो डलनेस, ड्राइनेस या जो आपका थोड़ा सा टैनिंग आ जाती है, ये इसको रिमूव करता है। सेम काम आपका लिकोराइस मुलेठी का होता है, कि ये भी कॉम्प्लेक्शन एनहांसर है, आपके कॉम्प्लेक्शन को वो इम्प्रूव करता है। यहाँ पे ये किट किसी, अगर हम बात करें कि किसी कलर को गोरा कर देगा, तो ये आपकी उस तरह का पेंट देती है। हम जिस स्किन कलर के साथ पैदा होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ हमारी स्किन जो है वो डार्क होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारी स्किन की जो ये फेयरनेस किट है, ये वापस से आपके स्किन टोन, जिस स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए थे, उस तक वो आपको लेके आ सकता है। लेकिन इसको ये नहीं है कि वो किसी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले का फेयर कॉम्प्लेक्शन कर देगा। एलोवेरा, एलोवेरा एक नेचुरल हाइड्रेटर है, मॉइस्चराइजर है। विटामिन ई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन को यूवी डैमेज से बचाने के लिए। विटामिन B3 जो है वो हमारे स्किन के अंदर में जो मॉइस्चर है उसको वो लॉक करता है, स्किन को एक वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर देता है, और वो हमारे हाइपर पिगमेंटेशन जो हो जाती है या पिगमेंटेशन जो होती है उसको वो लाइटन अप करने में हेल्प करता है। दारू हल्दी जो कि है किसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो एंटीसेप्टिक है और साथ में वो स्किन लाइटनिंग का काम करता है। आमंड ऑयल वो स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्किन को लाइटन करता है। इवन जो क्रैनबेरी जो हमारे एक पैक में डला हुआ है, तो वो हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, फ्री रेडिकल को फाइट करता है। और जहाँ तक है शिया बटर है, इसमें ऑलिव ऑयल है, ये स्किन को सॉफ्ट करते हैं, स्मूदन करते हैं, और इसमें एक योगर्ट पाउडर फॉर्म में है जो कि स्किन के हाइड्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, स्किन को वो रिजुविनेट है। और अब हम आते हैं कि इस किट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस किट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो इसको हम एज अ फेशियल, ये कंप्लीट है कि अगर आप घर पे फेशियल करते हैं या कोई ब्यूटिशियन आपके घर पे आती है, तो आप अपना फेशियल इससे करवा सकते हैं। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है कि आप फेस वॉश करें, उसके बाद आप स्क्रब यूज करें, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा सीरम जो है, आप थोड़ा सा सीरम लें, सीरम अप्लाई करें, सीरम अप्लाई करने के बाद आप क्रीम की मसाज करें, क्रीम मसाज के बाद आप पैक लगाएं, और फिर उसको एंड कर दें, उसी सीरम को दोबारा से थोड़ा सा आप यूज करें, तो इसको आप एज अ फेशियल यूज कर सकते हैं। लेकिन फेशियल के अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमने नीम और टर्मरिक कॉम्बो या आपका चारकोल कॉम्बो बनाया था, तो एक होता है कि अपनी स्किन की रेगुलर बेसिस पे हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है, और उस ध्यान रखने के लिए हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और वो प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं AM PM। मतलब AM का मतलब है सुबह की देखभाल, PM का मतलब है शाम की देखभाल, और वीकली रेजिमेंट, कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सिर्फ वीक में करनी है। तो उसको कैसे यूज करना है कि आप AM सुबह के टाइम में आप अपनी स्किन को वॉश करें और आप सीरम का इस्तेमाल करें।
रात को सोने से पहले आप अपनी स्किन को, या आप अपने वर्क से या कोई मार्केटिंग शॉपिंग करके आप वापस आए हैं तो आपने घर आने के बाद आप अपनी स्किन को वॉश करें, शाम के वक्त आप सीरम लगाएं और क्रीम का इस्तेमाल करें। अब ये होता है कि ये तो हमारी एएम और पीएम मतलब डेली बेसिस पे ये रेजिमेन हो गई, स्किन की देखभाल हो गई ताकि स्किन हमारी जो है वो लाइटन अप रहे, हेल्दी रहे। और वीकली प्रोसीजर को कैसे करते हैं, तो वीकली में ऐसा होता है कि हमारी एम तो वही रहेगी लेकिन जो शाम की जो हमारा प्रोसीजर है, पीएम प्रोसीजर है, उसके अंदर में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि आप पहले फेस वॉश करें, उसके बाद आप स्क्रब करें, स्क्रब करने के बाद आप मास्क लगाएं, मास्क लगाने के बाद आप सीरम का इस्तेमाल करें और फिर नाइट। तो ये वाला जो रेजिमेन है जिसमें आपके ये पूरे पांचों प्रोडक्ट यूज होंगे, ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं एज पर योर स्किन की रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से ये जो फेयरनेस किट है इसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं 2 तरीके से, या तो एज अ पेशेंट या फिर आप इसको एएम पीएम इन वीकली रेजिमेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हेयर की देखभाल के लिए, और हेयर की देखभाल के लिए यहाँ पे हमने आपको एक कॉम्बो दिया है जिसके अंदर में आर्गन ऑयल शैम्पू है और एप्पल शैम्पू है। अब ये भी है कि हमने 2 डिफरेंट शैम्पूस क्यों दे दिए हैं एक ही कॉम्बो में, तो उसका मेजर पर्पस ये है कि घर में हम अगर 4 लोग भी हैं तो चारों की हेयर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है और जनरली हम एक ही शैम्पू से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट शैम्पूस दे रहे हैं ताकि वो आपकी जो हेयर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो आप उसे इस्तेमाल कर सकें। शैम्पू जैसे सभी जानते हैं कि वो क्लिंजिंग प्रॉपर्टी रखता है, वो प्रॉपरली बालों को क्लीन करता है। यहाँ पे हम अगर आर्गन की बात करते हैं पहले आर्गन शैम्पू की कि इसका क्या काम है और आर्गन शैम्पू क्यों और किस तरह के स्कैल्प के ऊपर करनी चाहिए या किस तरह के हेयर के ऊपर करनी चाहिए। तो ये आपका जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजी होते हैं, या आप ये कह लें कि जो बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई का यूज करते हैं, या बालों के ऊपर किसी तरह का आपका केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब हेयर कलर कर रहे हैं, या आप अपने हेयर के ऊपर किसी तरह का आपने वो पर्मिंग करा रखा है, स्ट्रेटनिंग करा रखा है, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल के यूज हुए हुए बाल बहुत ज्यादा आपका ड्राई एंड फ्रिजी हेयर है, तो उसके लिए आर्गन शैम्पू जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये क्या करता है कि जिस तरह से आपके ये डैमेज हेयर के ऊपर एक आर्गन की जो मॉइस्चराइजिंग और सॉफ्टनिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है तो उसको ये इम्प्रूव करता है। साथ में ये जो आपके स्प्लिटिंग्स हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से ये इसको रिपेयर करते हैं। दूसरा शैम्पू जो हमने आपको दिया है वो एप्पल शैम्पू है। ऑब्वियसली वो क्लिंजिंग तो करता ही है लेकिन उसके अलावा इसका जो मेन जो प्रॉपर्टी है इस शैम्पू की कि ये आपकी जो स्कैल्प जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिसके ऊपर डैंड्रफ काफी होती है, ये उसको ये ठीक करता है, डैंड्रफ को एक तरह से ये क्योर करता है। दूसरा, डैंड्रफ की वजह से हमारे हेयर रूट्स जो हैं ये वीक हो जाते हैं और यहाँ पे क्योंकि ये आपके डैंड्रफ को रिमूव करेगा तो आपके जो रूट्स हैं हेयर को उनको ये स्ट्रेंथन अप करेगा। तो एप्पल शैम्पू जो है जिनके ड्राई मतलब डैंड्रफ को, जिनके बाल थोड़े से झड़ते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो आर्गन ऑयल शैम्पू है वो जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज फ्रिजी हेयर है तो वो इस्तेमाल करें। और शैम्पू का भी जो यूज करने का जो तरीका है उसमें यह है कि बालों को आप पहले पूरा का पूरा आप गीला तो करते हैं लेकिन शैम्पू को पहले हाथ में लेके उसको हमें अपने स्कैल्प के ऊपर मसाज करनी चाहिए, क्योंकि जो डस्ट, डर्ट, पोल्यूटेंट, डैंड्रफ, कोई भी बैक्टीरियाज है वो सारा का सारा हमारी स्कैल्प के ऊपर जमा हो जाते हैं। क्योंकि बालों को तो हम कॉम्ब करते ही हैं तो कॉम्ब करने से सुपरफिशियली जो भी आपका बालों के ऊपर आके चिपक जाता है वो ब्रश करने से या कॉम्ब करने से निकल जाता है लेकिन स्कैल्प नहीं क्लीन हो पाती है। तो ऐसे में हमारे को स्कैल्प को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो जब आप शैम्पू लें तो सबसे पहले उसको स्कैल्प के ऊपर पूरा प्रॉपरली ऐसी फिंगर से राउंड करते हुए आप उसको स्कैल्प के ऊपर मसाज करें और फिर बाकी का जो आपके बालों का जो डेड एंड है उसके ऊपर आप उसको, उसके जो फोमिंग होती है उसको आप स्प्रेड करें और फिर रिंस आउट करें। सेकेंड कॉम्बो जो है वो आर्गन ऑयल का कंडीशनर है और आपका एप्पल कंडीशनर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग
शैम्पू तो यूज कर लेते हैं लेकिन कंडीशनर यूज नहीं करते। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा जो साइंटिफिक लॉजिक है कि क्यों कंडीशनर भी इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू हमारे जो बालों के एक तरह से हमारे जैसे चेहरे पे पोर्स होते हैं ना उसी तरह से बालों के भी पोर्स होते हैं, तो ये उन पोर्स को खोल देता है शैम्पू। अब अगर आपके ये पोर्स खुले रहेंगे तो क्या हो जाता है कि आपका बाल ज्यादा ड्राई हो जाता है, ये ब्रिटल हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक बार दूसरे बालों के साथ उलझ के टूटना शुरू कर देता है, बाल आपके बीच में से टूटने शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे में जब तक कि आपके ये जो क्यूटिकल्स जो ये खुल गए थे बालों का जो पोर्स खुल गए हैं, जब तक आप कंडीशनर करके इन पोर्स को आप बंद नहीं करेंगे, इनको स्मूदन आउट नहीं करेंगे, तो आपकी जो क्लीनिंग है बालों की या बालों की जो हेल्थ है वो इनकम्प्लीट है। तो इसलिए कंडीशनर बहुत जरूरी है कि जब आप शैम्पू करें तो शैम्पू क्लीनिंग करता है और क्लीनिंग करते समय वो बालों के पोर्स को खोल देता है, और जब हम कंडीशनर यूज कर रहे हैं तो वो इन पोर्स को स्मूदन आउट कर देता है, बालों के ऊपर एक कोटिंग दे देता है ताकि आपके बाल जो है वो फर्दर डैमेज नहीं हो। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है कि कभी भी कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना, क्योंकि ये स्कैल्प के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया ये कोटिंग देता है, अगर हमारे हेयर स्कैल्प के ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी तो आपका बाल जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो जो कंडीशनर है वो हमेशा स्कैल्प से हटा के, मतलब जब आप कम से कम आपके जो रूट है रूट से एक इंची का गैप छोड़ने के बाद आपको अपने बालों में कंडीशनर लगाना चाहिए, और इसको 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक आप अपने हेयर के ऊपर रहने दें और उसके बाद प्रॉपरली रिंस आउट करें। और इसी के साथ हम अपने लास्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं जो कि हमारा बॉडी मिस्ट है। और यहाँ पे जो हमने अपने ये बॉडी मिस्ट जो बना रखे हैं जिसमें आपके पास ये 3 मिस्ट हैं, ये नॉन अल्कोहलिक है। अभी तक जितने भी जो मिस्ट हैं, या इसको आप डीओ नहीं लें, डीओ ज्यादातर हम अपने कपड़े पे स्प्रेड करते हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड होते हैं, यहाँ पे ये जो बॉडी मिस्ट है ये वाटर बेस्ड मिस्ट है। इसके अंदर में नरिशिंग ऑयल डले हुए हैं, इसके अंदर में एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि आपकी स्किन को भी प्रॉपरली मॉइस्चराइज करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बताना चाहूंगी कि ये जो बॉडी मिस्ट है ना ये हमारे बाथरूम्स में होना चाहिए। जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद जब हमारी बॉडी थोड़ी सी डैम्प होती है उस टाइम पे इसको हमारे को अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करना चाहिए ताकि ये हमारे स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाए और दूसरा ये स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे दे और खुशबू तो आपको दे गई देगा। और ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है और ये बहुत, मतलब ज्यादातर हम नहाने के बाद जब बाहर आ जाते हैं हम अपने फेस पे क्रीम लगा लेते हैं, मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, लेकिन बॉडी का हम ध्यान नहीं रख पाते। उसी जगह पे ये बॉडी मिस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो अल्कोहल नहीं है तो ये किसी तरह से भी आपकी स्किन के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके अंदर में आपका कैस्टर ऑयल है जो कि स्किन के लिए बहुत ही नरिशिंग और बहुत ही मॉइस्चराइजिंग ऑयल है। तो जब आपकी बॉडी डैम्प हो उसी टाइम पे स्प्रे करें और थोड़ा इसको पैट करते हुए जिस तरह से हम बॉडी मॉइस्चराइजर्स या बॉडी ऑयल्स यूज करते हैं इसको आप स्किन के ऊपर आप अच्छे से स्प्रेड करें तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी स्मूथ बन गई है, मॉइस्चराइज्ड है और सारा दिन आपको ये खुशबू देती रहेगी। तो आई होप कि आज की जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो रही है वो काफी आपके लिए फायदेमंद है। और अगर कभी भी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप जरूर जो हमारा कस्टमर केयर या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी रीच टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सुनीता गुप्ता। अगले हमारे कीनोट स्पीकर्स हैं सेफ शॉप इंडिया से। मैं अभी आमंत्रित करूंगी मिस्टर किशोर कुमार लूथरा को जो हमारे अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, और उनके साथ मिस्टर एनएस रावत को जो उनके कॉलीग हैं सीनियर अकाउंटेंट। दोनों को 20 वर्ष से ज़्यादा का इस एरिया में तजुर्बा है और आज वो बताएंगे हम सबको पे आउट, ECS और पैन कार्ड के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग
कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसके में तीन पहलू हैं जिनके ऊपर हम आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ईसीएस है, पे आउट से रिलेटेड ईसीएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरा हमारा है पेमेंट गेटवे का, जो कि हमारी इनकमिंग पेमेंट्स या जो आप ऑर्डर्स करते हैं उनकी पेमेंट से रिलेटेड। तीसरा है पैन कार्ड के विषय में। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सर हम शुरू करेंगे ईसीएस के बारे में। अब ईसीएस क्या है और क्यों जरूरी है, आप सब लोग जानते हैं। आज से कुछ समय पहले तक हम कैसे आपको पेमेंट किया करते थे, आपका कमीशन का पेआउट कैसे किया करते थे। पहले सिर्फ और सिर्फ हम चेक से पेमेंट किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते गए, हमने इसको ईसीएस करना शुरू किया। अब चेक भी एक इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वाई चेक एंड वाई नॉट ईसीएस, क्यों, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चेक के हम फायदे और नुकसान दोनों हम जानते हैं। चेक के पहले नुकसान के बारे में आपको बताऊंगा। चेक का नुकसान शुरू होता था बनाने से लेके आप तक पहुंचने तक। आपका कमीशन बना, उसको चेक बनने में 3 से 4 दिन का समय चेक बनने में लग जाता है। फिर कोरियर का समय भी 5 से 6 दिन, इवन 10 दिन का भी होता है। इसलिए आप तक पहुंचते पहुंचते चेक का जो समय था वो 10 दिन बीत जाता है। फिर आप चेक जमा करते हैं, क्लियरिंग में जाता है, क्लियरिंग के बाद फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर टोटल समय देखा जाए तो कम से कम 15 दिन। 15 दिन बाद आपको चेक मिलता था, लेकिन क्या ये गारंटी थी कि आपको चेक मिलेगा? कई बार क्या होता था, चेक रास्ते में ही डैमेज हो गया, ड्यूरिंग ट्रांजिट कोरियर वाले ने डैमेज कर दिया, या लॉस हो गया, आप तक पहुंचा ही नहीं, डिपॉजिट में डिले हुआ, क्लियरिंग में डिले कर दिया, क्लियरिंग हाउस ने आपका चेक गुम कर दिया, या और कोई रीजन जिसकी वजह से आपको चेक का नहीं मिल पाया, और मिला भी तो पेमेंट मिला आपको 15 दिन में। इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ईसीएस। आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपनी बैंक डिटेल को अपडेट कीजिए। बैंक डिटेल को अपडेट करना हमने बहुत ही इजी एक प्रोसेस बना दिया है। आपको सिर्फ अपनी बैंक डिटेल अपलोड करनी है, हम उसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं आप, ताकि सही जगह पे सही व्यक्ति को सही समय पे पैसा मिल पाए। इसके लिए हमने 2 एजेंसियां भी हायर की हैं, कैश फ्री एंड जूप, जो कि हमें कंफर्म करती हैं कि पैसा जो है हमारे सही व्यक्ति के पास जा रहा है। अब इसके एडवांटेज और क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक बहुत ही जल्द और इमीडिएट मिलने वाली पेमेंट है, सिक्योर पेमेंट है, 100% सिक्योर है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि हम अपनी बैंक डिटेल क्यों शेयर करें। बैंक डिटेल शेयर करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखिए, मैंने अभी आपको चेक के डिसएडवांटेज बताए, ये बताया कि ईसीएस करने से आपको चेक कि आपकी कमीशन की पेमेंट बहुत जल्दी मिल सकती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आता है, क्या मैं बैंक डिटेल शेयर करूं, कहीं ये मिसयूज होगी तो नहीं? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी कंपनी के बिहाफ पे कि आपकी बैंक डिटेल हमारे पास पूर्णतः सुरक्षित है, इसका कहीं पे भी मिसयूज नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना कम से कम ईसीएस जरूर करवाएं, ताकि आपको कमीशन का पेमेंट जल्द से जल्द सीधा आपके अकाउंट में पहुंच सके। दूसरा मैं एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि सेफ शॉप जो है बहुत ही इको फ्रेंडली कंपनी है, हम डिस्करेज करते हैं पेपर वर्क को, इसलिए भी हम ये आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चेक की बजाय
अपना अकाउंट बैंक डिटेल अपडेट करें ताकि हम आपको जल्द से जल्द ईसीएस पेमेंट कर पाए। अब हम डिजिटल इंडिया के दूसरे पहलू ई भुगतान की तरफ के बारे में बात करेंगे सर। अब ई भुगतान क्या है? आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद उसकी पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर कंफर्म होता है। आज से कुछ समय पहले तक आप क्या करते थे? लंबी लंबी लाइनों में लग के कैश काउंटर पे कैश जमा कराते थे या बैंक की शाखाओं में जाके कैश जमा कराते थे। कैश जमा कराने के बाद हमारी कंपनी को आप ईमेल किया करते थे अपनी ऑर्डर डिटेल के साथ ताकि हम आपके ऑर्डर को कंफर्म करने के बाद डिस्पैच करते। ये जो प्रोसेस था आपका बैंक अकाउंट से जमा करने का और एक्चुअल में आपके ऑर्डर को कंफर्म करने का, ये 3-4 दिन से लेके हफ्ते तक भी हो पाता था और कई बार 10 दिन भी लगाया जाता था डिपेंडिंग अपॉन आपके जो ईमेल आती थी उसके ऊपर। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए और इस समय को रिड्यूस करने के लिए, इस समय को कम से कम करने के लिए आपकी लिए कंपनी ने एक पेमेंट गेटवे की व्यवस्था की है। पेमेंट गेटवे के साथ आपका क्या होता है कि जैसे ही आपने ऑर्डर डाला, ऑर्डर के इमीडिएट बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं इमीडिएटली हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है आपके ऑर्डर की। आपकी ऑर्डर की कंफर्मेशन होने की वजह से इमीडिएटली हम आपकी पेमेंट को ऑर्डर को कंफर्म कर पाते हैं और जल्द से जल्द उसको डिस्पैच कर पाते हैं। आपके सहूलियत के लिए कंपनी ने एक नहीं, दो नहीं, 4 गेटवे से एग्रीमेंट किया हुआ है ताकि आपका काम कभी भी डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कंपनी आपकी सहायता के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर है और आगे भी ऐसे नए नए और कदम उठाती रहेगी ताकि आपका काम बहुत ही स्मूथली और सेफली चलता रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कुलीग मिस्टर एनएस रावत, जो कि हमारे टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं, आपको पैन कार्ड के विषय में बताएंगे कि क्यों पैन कार्ड आवश्यक है, क्यों आपके लिए पैन कार्ड की डिटेल देना हमारे लिए जरूरी है, इस बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर एनएस रावत। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एनएस रावत है, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं। आज मैं आपको पैन कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि पैन कार्ड हमारे लिए और हमारी बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि मैं पैन कार्ड की हिस्ट्री की बात करूं तो पैन कार्ड आज से 15-20 साल पहले केवल एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यूज होता था और बेसिकली बहुत कम लोगों के पास ये पैन कार्ड होता था। लेकिन आज की डेट में पैन कार्ड की बात करूं तो पैन कार्ड के यूजेज इतने बढ़ चुके हैं और उसके बेनिफिट कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आज भी काम होता है लेकिन पहले भी होता था। आज हमारा ये पैन कार्ड आईडी प्रूफ के रूप में भी यूज होता है। यदि हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें पैन कार्ड की जरूरत होती है। यदि हमारा पुराना बैंक अकाउंट है और हमने उसमें कैश डिपॉजिट करना तो उसमें भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है पैन कार्ड की। यदि हमारा कैश अमाउंट मोर देन 50,000 है तो हमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हमने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है तब भी हमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हमने किसी होटल का बिल पे करना है, उसका अमाउंट हमारा मोर देन 50,000 है तब भी हमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे हमने डीमेट अकाउंट खोलना हो, शेयर ट्रेडिंग करनी हो, शेयर परचेज करनी हो और कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना हो तब भी हमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। कोई प्रॉपर्टी हमने सेल परचेज करनी हो, इवन तक कि हमने कोई 4-व्हीलर परचेज करना हो तब भी हमें अपना पैन कार्ड कोट करना पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी पे आउट और TDS के बारे में। हमारी कंपनी आप सभी लोग जानते हैं कि वीकली पे आउट करती है और उसमें TDS डिडक्ट करती है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। TDS जो सेक्शन में काटते हैं वो सेक्शन है हमारा 94H, जिसकी एग्जम्पशन लिमिट है 15,000 रुपये। जो पैन कार्ड होल्डर होते हैं उनका TDS कटता है 5%, जो पैन कार्ड नहीं जिन लोगों के पास उनका TDS कटता है 20%। और आप लोगों को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों का 20% कट रहा है उनका वो अमाउंट उनके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करता। इवन तक कि जब वो लोग अपनी ITR फाइल करते हैं उसका भी उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता।
अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। सपोज ए पर्सन है, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख की अर्निंग करी है और उनका टीडीएस कटा 5% क्योंकि उनके पास पैन नंबर था। जो नॉन पैन पैन कार्ड होल्डर है उनकी अर्निंग सेम अर्निंग है, उन्होंने 3 लाख रुपये कमाए लेकिन उनका उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ 60,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 45,000 का, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। लेकिन जिनके पास पैन होल्डर था, यदि वो अपनी ITR फाइल करते हैं तो उसमें भी वो 15,000 का अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं। जबकि ये वाला पर्सन जो हमारा जिनके पास पैन नंबर नहीं था, उनका ये 60,000 रुपये बिल्कुल वेस्ट गया। ये गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, न उनके 26 ईयर्स में दिखा, न उनके ITR फाइल में अमाउंट यूज हुआ। बेसिकली देखा जाए तो अल्टीमेटली जिनके पास पैन नंबर नहीं था उनको 60,000 का ये डायरेक्ट नुकसान हुआ। अब मैं बात करूं कि ये 60,000 हमारे पूरे बिजनेस में यूज हो सकता है, उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अपने घर में यूज हो सकता है, अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में, बिजनेस को बढ़ाने में पैसा हमारा यूज हो सकता है। अब इसके बाद मैं बात करूं कि जो पैन कार्ड बनाने की कॉस्टिंग आती है, ये आती है 110 रुपये। अब तो गवर्नमेंट ने ई पैन कार्ड भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि ई पैन कार्ड हमारा 10 से 15 मिनट में बन के आ जाता है, और जो हमारा नॉर्मल पैन कार्ड होता है ये हमारा 10 से 15 दिन, ये 10 से 15 मिनट। तो पैन कार्ड बनाना बहुत आसान हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पैन कार्ड में नेम करेक्शन है इसलिए मैंने पैन कार्ड अपडेट नहीं किया, मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं थी और मेरा मेरा एड्रेस ठीक नहीं था, नहीं दिया। लेकिन हम पैन कार्ड में भी अपना करेक्शन कर सकते हैं, क्या हमने अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक करानी है या पैन ठीक करना है, उसमें हम उसमें जाके ठीक कर सकते हैं। अब मैं बात करूं टैक्स कंप्लायंसेस की, तो हमारी कंपनी डे वन से टैक्स कंप्लायंस को पूरी करती आ रही है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। TDS हमारे यहाँ पर टाइमली डिपॉजिट होता है, उसकी रिटर्न भी हम टाइमली सबमिट करते हैं, इवन तक कि GST भी टाइमली जमा करते हैं और टाइमली उसकी रिटर्न फाइल होती है। हमारी कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी बिल्कुल हर समय मतलब उसको टाइमली फाइल करती रहती है, और गवर्नमेंट के अनुसार जो भी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम पे इनकम टैक्स की आती है हम उसको फॉलो करते हैं। अभी आपको पता होगा कि इसी साल के जुलाई में इनकम टैक्स की गाइडलाइंस आई थी, जिन लोगों ने 2 साल से अपनी ITR फाइल नहीं करी और 26 में उनका क्रेडिट मोर देन 50,000 है तो उन लोगों का TDS डबल कटेगा। जैसे हम इसकी बात करें कमीशन की, पहले हमारा 5% रेट हो रहा था लेकिन अब उनका कटेगा उसमें 10%। तो हमारी कंपनी टाइम टाइम पे जो भी गाइडलाइन आती है उसको फॉलो। अब मैं आपको पैन कार्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, जो हमारा पैन कार्ड होता है ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर का, 10 नंबर का होता है, जिसमें जो हमारा 4th करेक्टर होता है ये इंडिकेट करता है कि ये पैन कार्ड इंडिविजुअल का है, कंपनी का है, एसोसिएशन का है या फर्म का है या गवर्नमेंट कंपनी का है। जबकि जो हमारा इसका करेक्टर 5th करेक्टर होता है ये इंडिकेट करता है हमारा सरनेम। जैसे सपोज किसी का नाम राहुल कुमार है तो वहाँ पे PK लिखा होगा, P मीन्स इंडिविजुअल, K मीन्स उसका सरनेम। हमारी कंपनी ने पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया कि पहले आप लोग हमारी कंपनी वेबसाइट पे जाके अपना पैन कार्ड अपडेट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर पैन कार्ड को हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही हमारा डेटाबेस में अपडेट होता है। हमने पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए 3 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, KDK सॉफ्टवेयर, ऑथब्रिज, KYC कार्ड। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो भी सेमिनार हो या जो भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम हो आप उसमें पैन कार्ड को प्रमोट करिए कि जिससे किसी भी एसोसिएट का, किसी भी DSA का 20% TDS ना कटे और केवल उसका TDS 5% ही कटे। तथा सब आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अपना पैन कार्ड अपडेट करें और अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करें जिससे कि आपको टैक्स में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। थैंक यू लूथरा जी, थैंक यू रावत जी। जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई आज, अगर उस विषय में आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी शंका हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं training@safeshopindia.com। जो भी आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई डाउट्स हो, और इसके साथ आते हैं हम अपनी ट्रेनिंग सेशन के अंत तक। ये सेशन हमारा फिर अगले फ्राइडे होगा, अगले सप्ताह, अगले शुक्रवार 11 बजे सुबह से, और तब हम फिर आपसे मिलेंगे।
प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।